Hello, you're watching The Network, Connecting State in One News. I'm Ater Bengel. So joining with me right now is the president of ANSU, Mr. Nabum Dodum. So we're going to have a round of talk with him regarding APPSC fiasco. First of all, welcome to The Network. And I have a very straight question for you. This entire scenario of APPSC fiasco have been going around the clock. But abhi tak, ANSU APSU kyu chup raha? ये देखिए, आपका सवाल ही गलत है। ANSU और APSU कभी चुप नहीं था। आप ये बोल सकता है कि जो अभी जो ये पेस्को का चलते, यही पेपर लीकेज का चलते जो इशू है, कुछ अराउंड 10-15 डेज हम लोग गायब था। गायब इन द सेंस, देखिए, ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन स्पेसिफिक बात करेगा बोलने से, हम लोग एक इंटरेस्ट ग्रुप है, निशी कम्युनिटी को देखने, निशी एज ए पर्टिकुलर हम लोग इशू बेस में काम करते हैं। बट देन इसमें बियॉन्ड हम लोग जो आपका ये जो बायलो का बियॉन्ड द बायलो ऑल दिस स्टूडेंट्स यूनियंस का उस वो बैरियर को क्रॉस करके हम लोग ये पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू को हम लोग टेकअप किया है विद यू नो कोलैबोरेशन विद ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन। तो हम लोग फर्स्ट दिन से ही काम कर रहे हैं ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन इस इशू को, रिफॉर्मेशन इशू को 2021 से हम लोग काम कर रहे हैं। और यही पेपर लीकेज में इसलिए काम किया है कि हम लोग बियॉन्ड द अभी ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का बायलो को क्रॉस करके, उसका एम्बिट को क्रॉस करके काम कर रहे हैं। तो इसमें जितना भी अभी आउटकम आया है, डे वन से हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी एग्जैक्टली आप बताएं कि हम लोग कहाँ में स्केप है, आप हमको बताइए, तब हम आपको जवाब देगा। Being the apex body of the student union, it's the student who made you. Today you are in the position, it's because of the student who have elected you. So aapko student grievances has to be your grievances. Ye maine aapse first interview mein bhi pucha tha. So like first aapne bola ki bankol hoga karke. Then you had meeting with CM and the next day call off ho gaya. Where is the recommendation letter? कौन सा रिकमेंडेशन देता है? देखिए, ये एक है, यहाँ में मेरा ये तदक भाई भी आ जाइए आप पीछे में। इसमें ऐसे है कि ग्रेवेंसेस को बोलने से हम लोग सबसे पहले तो हम लोग सीएम को दो बार मिला, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीकेज इशू को लेके, इसके बाद गवर्नर को मिला, इसके बाद हम लोग इसको मिला, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को मिला। तो इस चीज में आप अभी एग्जैक्टली यहाँ में ये है कि पब्लिक में एक न्यूसेंस चल रहा है कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियंस अभी एक्टिव पार्टिसिपेशन में नहीं है। तो अब ये तो बताना पड़ेगा एक्टिव पार्टिसिपेशन ANSU कहाँ में काम करना है। ANSU को जहाँ में काम करना है उधर तो कर रहा है, एकदम अभी ANSU कहाँ में काम नहीं कर रहा है बोलने से आप लोग का नज़र में पब्लिक का ये न्यूसेंस क्रिएट ये हो रहा है कि अभी से सपोज अभी जितना भी अरेस्ट करना है, जितना भी कंप्लेंट देना है, हम लोग दिया एस्पेरेंट को, हम लोग ये हम लोग एडवाइस करके रखा है कि स्पेसिफिक ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का कोई भी मेंबर कोई भी एपीसीएस में एग्जाम नहीं दिया है, इसका इशू को एग्जैक्ट उसका इशू को आइसबर्ग जो इंपॉर्टेंट जो वाइटल पॉइंट को कहा कौन सा एग्जाम में पेपर स्कैम जो लीकेज हुआ है वो उनसे एस्पेरेंट जानेगा। तो एस्पेरेंट को हम लोग काम करो बोल के दिया है, उन लोग का जितना भी अभी जितना भी जो नंबर्स ऑफ केस जहाँ जहाँ में ये रुको डाउट है कि पेपर लीकेज हुआ है बोलने से हम लोग को बताना है। तो इसलिए हम लोग कैटेगरिकली हम लोग एक ग्रुप बना के रखा है। सबसे पहले इशू का एक चेयरमैन है तहसील पुरु ग्यामर पादंग भाई है, उन लोग से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। डाउन द लाइन उसका नीचे में भी एक दो भाई है, उन लोग के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग काम कर रहे हैं। वो तो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन हर एक ये को एस्पेरेंट को तो जाके नहीं मिल सकता है, एक सिस्टम बना के हम लोग को रिड्रेस करना है कि आप ये चीज को करो बोल के। तो एग्जैक्टली ऐसे अभी आप लोग कैसे करके एक्यूज करेगा कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग को काम नहीं कर रहे बोल के। दूसरा हम लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ भी चीज को करेगा बोलने से हम लोग ANSU और APSU सरकार को हम लोग धमका के भी काम करवाता है, प्यार से भी काम, कोई भी इशू को दो वे से अप्रोच करता है, सबसे पहले प्यार से अप्रोच करता है, दूसरा अगर वो नहीं सुनता है बोलने से चैलेंजिंग मोड में आके हम लोग बंद कॉल डिक्लेयर करता है। लास्ट टाइम का बंद कॉल को बोला है तो हम लोग को बोला है ना इशू को रिड्रेस करेगा बोला है, तो रिड्रेस करके हम लोग का जितना भी अभी तक जितना भी आपका जो सस्पेंशन है वो इंटरवेंशन ऑफ ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन APSU का वजह से है, ये तो गलत बात नहीं है, ये तो पब्लिक का डोमाइन में है। और अभी ये लोग क्या बोल रहा है कि नंबर्स ऑफ जो एस्पेरेंट जो केस जो एफआईआर जो हो गया नंबर सब एफआईआर जो बढ़ गया उसको अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एसपी को मिलके आया है कि जितना भी केस आया है उसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करो बोल के, इन्वेस्टिगेशन करो बोल के आया है। तो आप बताइए ना अभी कहाँ में ANSU चूक गया।
I would like to interrupt you here. Meanwhile, Abhi, आपने जैसा कहा, you had the words and meeting with SPSIC, Mr. Mittal. तो उसमें क्या बात हुआ? नहीं, SP Mittal का तो ऐसे है कि इस बीच में जितना भी जो एफआईआर दिया है, जो आपका जो पेपर लीकेज जो स्कीम जो नंबर हम लोग को 15 केस मिला है आपका डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर AEJEE इलेक्ट्रिकल ओवरऑल इसका बात आपका PGT TGT ADO एग्जाम सब इंस्पेक्टर पिल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जितना भी केस है हॉर्टिकल्चर सीनियर पार्सल असिस्टेंट को आप लोग अभी जो जितना भी है कि अभी तो इट इज कंफर्म आप SP SIC को पूछिए केस को क्लब अप करके ये रजिस्टर कर दिए तो रजिस्टर करने का बाद अभी हम लोग को ये देखना है कि एट द मोस्ट अभी हम लोग को ये देखना है कि ये लोग का इन्वेस्टिगेशन 2014 का जैसे ऐसे केयरलेस इन्वेस्टिगेशन नहीं होना है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होके इसको केस डायरी चार्जशीट अच्छा से बना के एटलीस्ट कोर्ट में कोई भी ये होके नहीं जाना है वो लोग को एटलीस्ट एक्यूज को जो एलिगेशन जो लगाया उसको कन्विक्ट होना है ये काम तो करना है और उसको करने के लिए हम लोग यही बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट का जो स्टैंडिंग काउंसिल है जो SIC का जो स्टैंडिंग काउंसिल है उसका कैसे वर्कआउट है और किस ग्रेविटी से काम कर रहा है वो हम लोग को देखना है अभी इमीडिएटली तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा अच्छा सर ये आप लोग जो अभी जो FIR दिया है ना तो वो सिर्फ 2022 एग्जाम का है ना तो 2022 में जो एग्जाम कंडक्ट हुए उन्हीं का है क्यों नहीं 2014 से आप लोग क्यों नहीं आप लोग इसलिए बोलते हैं आप लोग हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अभी आप लोग करना है आप लोग हमसे और इसी स्टूडेंट्स यूनियन को सिर्फ क्यों पूछते हैं आप सो को सिर्फ क्यों सवाल करता है आप जाके SIC SP को पूछिए ना आप लोग का आप लोग को क्या पूछने में SP SIC को आप लोग को इतना मिलने में क्या प्रॉब्लम है आप पूछिए हम तो क्लियर कट हम कंफर्म करके आ रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव 2014 तक आपका केस रजिस्टर हुआ है तो इसमें यहाँ में मेरा लीगल एडवाइजर को हम साथ में ले गया हम अभी तलक नालो को मेरा जो एस्पिरेंट का ग्रुप में से एक लड़का है उसको ले गया तलक नालो को ले गया वो क्लियर कट बोला है कि नहीं हम लोग इनपैक्ट देख के भी आया है 2014 तक का भी केस रजिस्टर है तो इसमें ऐसे नहीं कि जो इजी आप जिसको मिल पा रहा है उसको सिर्फ मत पूछो तो एस्पिरेंट ग्रुप को हम वही बोल रहे हैं कि ना कल भी हम बोला है कि कोई न्यूज चैनल आया था हम इसमें ये अपील किया है कि यहाँ में एक दूसरा को गाली दे के ट्रस्ट डेफिसिट का इशू नहीं होना है अंशु कौन है आपसु कौन है हम एक पोर्टफोलियो पोजीशन में है डाउन द लाइन जो लड़का अभी जो ये इशू बना के जो लीड कर रहा है चौथा चौथा सेक्शन में AEEE का JEE का उनको क्लब अप करके ऑन बिहाफ ऑफ अंशु आपसु वो लोग काम करना है इसका मतलब ये नहीं कि एनी टाइम हर टाइम अंशु आपसु होगा बोल के नहीं कभी कभी गलत अंशु आपसु प्रेसिडेंट आ सकता है अपना इशू को लेके ग्राउंड लेवल में स्टडी करना है कोर्ट में हियरिंग कैसे हो रहा है इन्वेस्टिगेशन कैसे है जितना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका भी उतना है उनको अपना से काम करना है और जहां में वो लोग रिचेबल नहीं हो रहा है जहां में उनका रिचेबल नहीं हो रहा है तो आंसू और आपसू को बताइए हम लोग CMO को भी CMO में बोलने से भी गवर्नर को बोलने से भी हम लोग एक साथ मिलकर काम करेगा बोल के पहले दिन से हम लोग का स्टैंड क्लियर है ये है मिस्टर प्रेसिडेंट वी बीन questioning to Apsu and Ansu because Apsu and Ansu is the apex union body for the student. Isliye aapko baar baar question kar rahe. Meanwhile, I would also like to ask you one more question here. Jitna bhi jo accused hai, uska jo disproportionate asset ko lekar kya kehna hai aapko? नहीं इसको SIC SP को अभी हम लोग मिलके आया है वो हम लोग को इन देश तो हम लोग जो रिटर्न में अभी कागज देके आया है वो बोला है डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का भी उसका जो कन्फिस्केट जो करना है वो भी अपना हिसाब से कर रहा है देखिए एक बात है यहाँ में आदमी ट्राइबल समाज में कुछ कुछ चीज को हम लोग लीगलिटी में इसलिए हार जाता है कि हम लोग का पास पेशेंस नहीं है ऐसे भी काम सरकार को पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसे भी काम नहीं करवाना है कि जहाँ में लीगल स्कोप लीगल आपका जो सिस्टम में लैप्सेस हो कल को जाके फिर कोर्ट से एक्यूट हो जाएगा फ्री हो जाएगा इसलिए हम लोग को टेक्निकली ध्यान देना है कि अल्टीमेटली हम लोग यहाँ में जितना भी फाइट करें चाहे अंशु फाइट करो चाहे अपसु फाइट करो चाहे SIC फाइट करो चाहे एस्पेरेंट हो कल को जाके अगर इस्टेब्लिश एक्यूज है कन्विक्टेड है एलिगेशन दिया है सही गलत कौन प्रूव करेगा वो कोर्ट में जाके प्रूव करेगा इसलिए हम लोग एक सफिशियंट टाइम दे रहा है Mr. President, I have straight question for you. Last time, Apsu Ansu was supposed to have a bun call regarding this APPSC fiasco. And you had
post to that you had meeting with CM Mr. Pema Khandu, and then you had call off the bun call. So where is the recommendation letter? ये तो एक अच्छा सवाल है, रिकमेंडेशन लेटर. इनफैक्ट अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन हम पर्स देगा. पर्सनल ओपिनियन में मेरा ये है कि फ्रॉम द डे वन हम कभी सीबीआई को रिकमेंड करना है बोल के मेरा पर्सनल ओपिनियन में ऐसे था. बट देन एस्पिरेंट का एक सोच था कि ने सीबीआई को रिकमेंड करना है. अभी आप देखिए मेरा यहाँ में अभी मेरा लीगल एडवाइज़र है और यहाँ का एस्पिरेंट जो अमोंग जो इशू को लीड करा है उनमें से एक है, आपका तदक नालो है. अभी यहाँ में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है. कोई बोलता है कि सीबीआई को दो, कोई बोलता है कि एसआईसी को दो. अभी अंशु और आपसु किसका व्यू को लेगा, ये नंबर वन बात. नंबर टू बात ऐसे है कि पर्सनली हम सोचता है कि रिकमेंडेशन लेटर शायद सरकार लिख दिया होगा, बट देन हम पर्सनली सोचता है कि ये केस को जो अभी तक सीबीआई जो यही पेपर लीकेज को लेके कोई अपडेट नहीं आया है, कोई न्यू अरेस्ट नहीं हुआ है. एटलीस्ट एसआईसी तो नंबर्स ऑफ जो अरेस्ट ही तो बढ़ गया. तो हम ये चाहते हैं कि पर्सनली जो रिमेनिंग जो जो भी केसेस जो अभी उबर के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो आ रहा है, हम चाहते हैं कि पर्सनली इसको एसआईसी ही कंटिन्यू करो. डिपेंडिंग कि अभी लेटेस्ट जो ये इंटरिम कमिटी एस्पिरेंट का इंटरिम कमिटी का क्या सोच है, I'll have you know round table discussion with them. अभी since issue chairman जो जो whistle blow किया है ग्यामर पादंग भाई जो admit है हैदराबाद में, and issue chairman अभी बेंगलोर में है, उनका जो उनका demand है उनका wisdom का मुताबिक अंशु और आपसु काम करेगा, ये है. तो इसलिए हम लोग अभी तक immediate और सरकार को pursue नहीं कर रहा, ये है.